हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ पिंपल को जड़ मुंह से निकालने के घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं, जो आपके स्किन से पिंपल को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट, हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। सफ़ेद टूथपेस्ट में एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं। टूथपेस्ट की मदद से आप कुछ ही दिनों में पिंपल को जड़ मुंह से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको टूथपेस्ट और एक कॉटन की जरूरत पड़ेगी। इसे लगाने का सही तरीका है, पिंपल के आकार को घटाने के लिए रुई में थोड़ा सा टूथपेस्ट लेकर पिंपल वाली जगह पर लगाएं और ध्यान रहे कि टूथपेस्ट सफ़ेद ही हो, जेल वाला नहीं होना चाहिए। इसे आप रात में सोने से पहले लगाकर सुबह धो लें। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं और वह पिंपल को जड़ मूल से हटाने में बहुत ही असरकारक होते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 2 से 3 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा शहद। लहसुन की कलियों का पेस्ट बनाकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पिंपल वाली जगह पर लगाएं। इस पेस्ट को सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही अपने चेहरे पर रहने दें और फिर गुनगुने पानी से अपने मुंह को धो लें। बर्फ पिंपल निकलने की शुरुआत होते ही अगर आप उस पर बर्फ लगाए तो पिंपल की सूजन कम हो जाती है और धीरे धीरे वह ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको चाहिए बर्फ का टुकड़ा और साफ कॉटन का कपड़ा। एक साफ कॉटन के कपड़े में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लेकर पिंपल वाली जगह पर उसे रगड़े। ध्यान रहे कि बहुत देर तक बर्फ को पिंपल वाली जगह पर न रगड़े। इस प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट तक ही करें।